नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद बस्ती से है। न्यू अवध हॉस्पिटल पर लगे गंभीर आरोप। 27 वर्षीय सुधा मिश्रा व पेट में पल रहे बच्चे की हुई इलाज के दौरान मौत। पहले मरा बच्चा, फिर हुई महिला की मौत। महिला के परिजनों ने बताया कि महिला के पेट में था 6 महीने का बच्चा, जिसको लेकर किया था अस्पताल में भर्ती। पहले मरा बच्चा, फिर हुई महिला की मौत। इलाज अच्छा न मिलने के कारण परिजन वहां से डिस्चार्ज कराकर हो रहे थे किसी दूसरे हॉस्पिटल के लिए रवाना, लेकिन इलाज का हवाला देकर हॉस्पिटल के लोगों ने ऑटो में बैठे मरीज को जबरदस्ती उतारा, फिर हुई मौत। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी पैदा हुए बच्चे की हुई मौत, उसके 1.5 घंटे बाद ही महिला की हुई मौत। हॉस्पिटल में मरने के बाद भी ऑक्सीजन लगाए रखने का परिजनों ने लगाया आरोप। मरने के बाद अपना पल्ला झाड़ने के लिए किया रेफर और कहा कि हार्ट की पेशेंट है महिला। महिला की मौत की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस। महिला और बच्चे की मौत के बाद हॉस्पिटल छोड़ फरार हुए कार्यरत डॉक्टर और हॉस्पिटल के मालिक। CMO ने कहा कि मामले की जानकारी नहीं थी। मामला संज्ञान में आते ही जांच के दोषी पाए जाने पर हॉस्पिटल पर होगी कार्रवाई। बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के न्यू अवध हॉस्पिटल का पूरा मामला। बस्ती जिले के थाना लालगंज के हेनौता गांव की रहने वाली थी मृतका। चंद्रकांत पांडे की खास रिपोर्ट। क्या कुछ जानकारी है सर? जैसा कि आप बता रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, इसमें किसी प्रकार की कोई घटना घटित हुई है इसकी जानकारी फिलहाल अभी हमें नहीं है। इसकी यदि कोई कंप्लेन होती है या कोई जानकारी होती है तो उसको हम जरूर जो है सख्त इसमें जो है एक्शन कराएंगे, परीक्षण निरीक्षण करा देंगे। सर क्या कुछ जानकारी है? नहीं, मतलब हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन वगैरह, इस तरीके की घटना हुई है, बंधक बना लिया गया। हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन जो भी पोर्टल पर शो होता है उसको कल हम जो है पोर्टल पे दिखवा करके यदि इसमें ऐसा कुछ हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है या नहीं है या किसी प्रकार की अनियमितता है तो उसको सघन जांच करवा करके उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई। उसमें आरोप, परिजन का आरोप सर एक महिला की मृत्यु हुई है तो इस बात की जानकारी अभी मुझे नहीं है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है, ऐसी कोई जानकारी अभी किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं हुई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।